अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमायरा हब। जब समय हो कम और बनाना हो कुछ खास सब्जी तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने यहाँ पे लिया है 3 से 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। अब हम लेंगे इसमें फाइनली चॉप प्याज 1 कप। अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी 1/2 कप। इसको भी अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये घर की फ्रेश मलाई है। पूरा हमने यहाँ पे लिया है 1/4 कप। आधा अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और आधा लास्ट में डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, ये 2 कप है। पूरा अब हम इसमें डाल देंगे। पूरा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ये रेड चिल्ली सॉस है, ये हमने लिया है 1 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और हम अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध। 1 कप दूध डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। हम इसको ढककर पकाएंगे। 5 से 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। हमने इसको दूध डालकर पकाया है, इसलिए हमने फिर से लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में गरम मसाला 1 टीस्पून और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मलाई जो हमने बचा के रखा था, वो हम पूरा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये पूरा पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ग्रेवी के लिए। लास्ट में हम गार्निश करेंगे हरा धनिया से और हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और भी बढ़िया स्वाद के लिए मैंने इस पे डाला है बटर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कोई भी त्यौहार हो, फंक्शन हो या फिर घर पे आ रहे हैं गेस्ट, तो इस सब्जी को बना के कीजिए इम्प्रेस। ये बहुत ही कम समय में बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।